आज इस वीडियो में जिन कैंडिडेट से आपको मैं मिलवाऊंगा, उसमें वाइफ को मिला स्टूडेंट वीज़ा और हस्बैंड को मिला स्पाउस वीज़ा, जिसको हम कैनेडा स्पाउस ओपन वर्क परमिट भी बोलते हैं। जब ये अप्लाई करने लगे थे तो सभी ने इनको मना किया था कि आप ऐसे अप्लाई ना करें, आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाएगा। लेकिन फाइनली आज इनका वीज़ा आ गया है। इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे इनकी प्रोफाइल, कि वाइफ की क्या बैकग्राउंड थी, स्पाउस की क्या बैकग्राउंड थी, कितना इनको टाइम लगा, कितना इनकी एजुकेशन में गैप था, और इनका वीज़ा कैसे पॉसिबल हो पाया है। Hi. Hello, sir. How are you? Fine, fine. How about you, sir? All good. सुन पा रहे हैं मेरे को आप? हाँ सर। चलिए, अभी तक जब कभी बात हुई, I think फोन पे बात हुई थी। जी। आज फर्स्ट टाइम है हम लोग ऑनलाइन एक दूसरे के साथ में। जी सर। So here I welcome both of you, Akanksha. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you, sir. पहले तो आप थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दें और आप कहाँ से हैं, लोकेशन क्या आपकी, उसके बारे में थोड़ा बताएं प्लीज। जी सर, तो मैं स्टार्ट करती हूँ। जैसे कि मैं और मेरे हस्बैंड प्रणय मैसेकर, हम लोग पूना से हैं और हम लोगों ने ये प्रोसेस स्टार्ट की थी इन द मंथ ऑफ जून, एंड वी केम अक्रॉस ग्लोबल्स कंसल्टेंट्स। और हमारा एक्सपीरियंस मैं आगे भी बताऊंगी कि कैसे रहा है आप लोगों के साथ, एंड वी आर रियली हैप्पी थ्रू आउट द होल प्रोसेस। कौन सा वीजा लगा आपका, पहले ये बताएं। जी, तो मेरा स्टूडेंट वीजा लगा है और साथ ही साथ मेरे हस्बैंड का SOWP, जो कि ओपन स्पाउस वर्क परमिट है, ये हम दोनों का एक साथ लगा है अंडर कॉन्करेंट वीजा पॉलिसी। कॉन्करेंट वीजा। जी जी। ओके, अब तो वीजा लग गए, एक टेंशन दूर हो गई। लेकिन जब वीजा अप्लाई किया था तो उस टाइम पे आपके एप्रीहेंशंस क्या थे, क्या लग रहा था कि ये हो पाएगा नहीं हो पाएगा? जी सर, जैसे कि आपने कहा, हम लोग जितना सबका सुन रहे थे, कुछ फ्रेंड्स है जो वहाँ स्टूडेंट्स गए लेकिन जिनके स्पाउसेस पहुंच नहीं पाए वहाँ पे 6 months, 1 year, 2 year, तो हम लोग काफी स्केप्टिकल थे कि ये होगा या नहीं होगा। और जैसे हम लोगों ने कुछ वीडियोस देखे और जैसे मैंने कहा, वी केम अक्रॉस थ्रू ग्लोबल्स कंसल्टेंट्स, तो हमको समझ में आया कि ये हो सकता है। और हमने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आपसे केस समझ के लिया, और आपसे जब पता चला कॉन्करेंट वीजा नाम की चीज है जिससे हम दोनों साथ में आगे बढ़ सकते हैं, सो हम लोग उसके साथ आगे बढ़े और वो हमारे लिए वर्कआउट हुआ विद इन द स्पैन ऑफ 4 months द एंटायर प्रोसेस। ऐसे बहुत सारे लोग मिले थे जिन्होंने कहा था कि आप कॉन्करेंट अप्लाई कर सकते हैं? नहीं सर, नहीं। ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ आपसे हमें मिली और हमको ये पता ही नहीं था कि ऐसा भी कोई वीजा होता है। आप अपनी प्रोफाइल बताएं और फिर प्रणय की भी प्रोफाइल पूछेंगे हम प्रणय से, क्योंकि लोग जो देखते हैं और उससे असेसमेंट भी अपने आप करते हैं, तो थोड़ा थोड़ा प्रोफाइल के बारे में बताएं। और प्रणय, फिर मैं आपसे पूछूंगा, क्योंकि फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स आपने टेक केयर किए थे, और फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स में ऐसे क्या डॉक्यूमेंट थे कि जो इम्पॉसिबल टाइप के थे या आसान थे डॉक्यूमेंट, ये दो चीजें आप बताएं। आकांक्षा, आप शुरू करें अपनी प्रोफाइल से, फिर हम लोग मिस्टर प्रणय से पूछेंगे, बताइए प्लीज। जी सर। जी सर, सो मेरा प्रोफाइल बेसिकली है, मैं इंडिया में यहाँ पे एक आर्किटेक्ट हूँ, मैंने आर्किटेक्चर पढ़ाई करी है और मैंने पास आउट हुआ है 2014 में। तो उसके बाद अभी जब मैं अप्लाई कर रही हूँ, 31 years old, तो मेरा एजुकेशन गैप भी अच्छा खासा 8 साल का रहा है। उसके बावजूद मुझे एडमिशन तो मिला ही है, स्टूडेंट वीजा मिला है, और साथ में स्पाउसल वीजा के लिए मेरी मैरिज हो रखी है 5 साल पहले। तो जैसे कि सर आपने हमसे लिए थे अच्छे डॉक्यूमेंट्स इन टर्म्स ऑफ जिससे हमारी रिलेशनशिप प्रूफ हो सके, तो ये सारा सेट ऑफ डेटा हमारे पास था। तो मेरे केस में ऐसा है कि मेरी एजुकेशन गैप के बावजूद मेरी एडमिशन होना प्लस मेरी 5 year old मैरिज, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे मेरे वीजा के लिए। ये प्रोफाइल मैंने क्वेश्चन इसलिए पूछने की कोशिश की है कि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि अभी तो एजुकेशन गैप हो गया बहुत सारा, उनका वीजा नहीं लगेगा, तो आपकी क्योंकि प्रोफाइल इस तरह की है, आप ही की प्रोफाइल में उन सब लोगों के आंसर्स भी छुपे हुए हैं। तो अगर कोई भी ये वीडियो देख रहा है और उनका एजुकेशनल गैप काफी ज्यादा है, तो वो प्लीज निराश ना हो, पॉसिबिलिटीज आपके लिए भी है। जैसे आज आकांक्षा का हो गया, 2014 में पास आउट है, आज 2022 है, तकरीबन 8 साल का गैप है, बट इन द मीन टाइम वो काम कर रहे थे कहीं ना कहीं, तो वो जॉब कर रहे थे, कि पॉजिटिव पॉइंट है। ओके, दैट्स गुड। या मिस्टर प्रणय, आप अपना प्रोफाइल बताएं कि क्या करते हैं। मैं बैचलर इन कंप्यूटर साइंस पास आउट हूँ और मेरा भी 9 years का एजुकेशन गैप है, और मैं पिछले 11 साल से इंटरनेशनल सेल्स में जॉब करता हूँ। और जहां तक बात आई फाइनेंस की, सर ने हम लोगों को जो जो फाइनेंस डॉक्यूमेंट मांगे थे हमारे फाइनेंस दिखाने के लिए, वो काफी सिंपल और रेगुलर फाइनेंस डॉक्यूमेंट्स थे जो अपने पास ऑलरेडी होते हैं। उसका सिर्फ एक सीक्वेंस है जो
कंसल्टेंट्स ने हमें बताया किस तरीके से अरेंज करके वो देना है, और उस तरीके से उनकी जो भी प्रोसेस थे हम लोगों ने फॉलो की, और मेरा सारा 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 फाइनेंस डॉक्यूमेंट क्लियर, जैसे कि प्रॉपर्टी रिलेटेड कुछ पेपर्स हो गए और टैक्सेस हो गए, पे स्लिप्स हो गए, ITR हो गए, ये सारे पेपर्स जो बेसिक हर किसी के पास प्रॉपर सीक्वेंशियली अवेलेबल होते हैं, वही डॉक्यूमेंट्स हमसे मांगे गए। और अगर कहीं हम किसी स्टेप पे आके रुकते हैं कि सर ये नहीं, हमारे पास ऐसे डॉक्यूमेंट है जो कि बिल्कुल ऑफिशियली सब कुछ था, तो सर ने उस पर भी सोल्यूशन दिया कि बिल्कुल आप इसको ऐसे ये डॉक्यूमेंट आप लाइए तो भी होगा, आप चिंता मत करिए कि ऐसा नहीं है ऐसे कुछ। तो सारे सोल्यूशन भी हमें टाइम टू टाइम मिलते गए आप लोगों से। इसको बोलते हैं हम लोग टेलर मेड चेकलिस्ट, क्योंकि बहुत सारे लोग हम लोग को लिखते हैं हमारे वीडियोस के ऊपर कि सर हमें डॉक्यूमेंट्स बताएं, तो हम उनको ये बोलते हैं कि हर क्लाइंट के डॉक्यूमेंट चेंज हो जाएंगे, क्योंकि हर किसी का प्रोफाइल अलग है, कोई जॉब करता है, किसी का बिजनेस है, किसी को रेंटल इनकम है, किसी की एग्रीकल्चर है, उसके बेसिस के ऊपर जैसे जैसे क्लाइंट से हमारी इंटरेक्शन होती है उनको बताते हैं हम लोग। और ऐसा नहीं है कि एक एक्स डॉक्यूमेंट है, जैसे इनकम टैक्स रिटर्न की बात की, बहुत सारे लोगों पे इनकम टैक्स रिटर्न नहीं है, लोगों के पास में नहीं है किसी के पास में, तो उनसे फिर ऑल्टरनेट डॉक्यूमेंट्स की बात करेंगे। किसी के पास फंड्स नहीं है, फंड्स कम है, अच्छा हर तरफ कोई एक ही तरह की सेविंग नहीं करता है, आप हो सकता है आप FDR करते होंगे, आप सेविंग में रखते होंगे, बहुत सारे लोग प्रॉपर्टी खरीदते हैं ठीक है। और जहां तक फंड्स की बात है ना, आपके एप्लीकेशन में जो भी हमने फंड शो करवाए थे, हम लोग ये चीज मेक श्योर करते हैं कि जो टोटल लाइबिलिटी है आप मिस्टर प्रणय के वहां जाके खर्चा रहने की, और आकांक्षा जब वहां पे जाएगी पढ़ाई करेगी तो उनके एडिशनल के एक्सपेंसेस आ सकते हैं, उसके बेसिस के ऊपर हम लोग डिसाइड करते हैं। चलिए आप पूना में हैं, मैं अभी चंडीगढ़ से लाइव हूं, तो कभी आना तो हुआ नहीं आपका इधर जी, सर्विस तो सारी आपको ऑनलाइन दी हमने जी, तो आप इस ऑनलाइन सर्विस के बारे में बताएं कि किस तरह की थी, कोई अड़चन आई इसमें, कोई परेशानी आई, और इट वॉज अ स्मूथ इनफ? सो इट वॉज सो स्मूथ कि हमें समझ में भी नहीं आया हम दूसरे सिटी में। इनफैक्ट इतना जैसे कहते हैं ना डिजिटल बैंकिंग हो गया, जो उस तरीके से हमारे लिए प्रोसेस हो गया कि सब कुछ डिजिटली हो गया और इतने आसानी से और आपके सपोर्ट से, तो हम लोग बहुत खुश है। ऐसे लगा ही नहीं कि हम दूसरे सिटी में आपसे कभी मिले नहीं, आज फिर भी इतना पॉजिटिव फीडबैक के साथ हम आपसे बात कर पा रहे, तो हम लोग काफी सेटिस्फाइड और इतना स्मूथ हो चुका है सारा प्रोसेस। मैं यहाँ पे एक पॉइंट बोलना चाहूंगा, मैंने सर का सिर्फ वीडियो ही देखा था यूट्यूब के ऊपर, एक बार सर्च करते हुए उसी वीडियो के ऊपर सर का नंबर था और मैंने सर से बात की थी, और नेक्स्ट आधे घंटे में हमने फाइनल कर लिया था कि हम यही कंसल्टेंसी के साथ जाएंगे। पहले कोई हमारी जान पहचान थी नहीं, कभी हम मिले नहीं, किसी ने रेफर भी नहीं किया, यूट्यूब के थ्रू हमने एक बार आपका वीडियो देखा था, कॉन्करेंट वीजा एक्सप्लेनेशन का वो वीडियो था कि क्या होता है, उसके बाद ही हम लोगों ने ये प्रोसेस समझ ली और पूरे 100% कॉन्फिडेंट के साथ हम लोग आगे बढ़े। और मेरे क्वेश्चंस भी बहुत ज्यादा थे क्योंकि मैं थोड़ा नर्वस था पूरी प्रोसेस को लेके, हर वक्त विदाउट ऑफिशियल टाइम भी मैंने सर को काफी परेशान किया, बट हर वक्त मेरा आंसर जो था सर ने मुझे व्हाट्सएप के थ्रू, कॉल के थ्रू, मैसेज के थ्रू हर तरीके से करने की, जो ये एक्सपीरियंस हमने कहीं और देखा नहीं है, क्योंकि हमने काफी पहले ट्राई किया था काफी अलग अलग कंसल्टेंसी के साथ, बट ये जो एक सपोर्ट था अननोन स्टेट से कम्प्लीटली, वो एक्सपेक्टेड ही नहीं था हमें कहीं, बट यहाँ पे जो हम एक्सपेक्टेशन हम लोगों की जो फुलफिल हुई है उसका हम बहुत ज्यादा दिल से थैंक यू बोलना चाहेंगे आप लोगों को। थैंक यू वेरी मच इवन कि आप लोगों ने भरोसा भी किया और जिस हिसाब से जो इंस्ट्रक्शंस आपको हमने भेजी, टीम ने भेजी, उसके हिसाब से आपने डॉक्यूमेंटेशन वो सब चीजें कंप्लीट भी की। ग्लोबिस के जो क्लाइंट्स हैं, आई थिंक पूरे वर्ल्ड में हम लोगों के क्लाइंट हैं, और ग्लोबिस एज अ कंपनी हम लोग सर्विस सेक्टर में हैं, तो हमारी एक बहुत बड़ी टीम है R&D की जो सिर्फ इस चीज के ऊपर काम करती है कि हमारी जो कस्टमर सर्विस है वो बेटर कैसे होती रहे। आप ये देखें ना, आप कभी पुणे आए, चंडीगढ़ आए, ना हमारे यहां से कोई पुणे गया, ना आपने हमें पासपोर्ट भेजा स्टैंपिंग के लिए, हर चीज आपके डोर स्टेप के ऊपर हमने सर्विस आपको ला के देने की कोशिश की। सर मेरा एक और छोटा सवाल है अगर आप प्लीज। बेसिकली कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी एंगेजमेंट हो गई है यहाँ इंडिया में, और अब वो ऐसे दुविधा में है कि यहाँ से शादी करे तो ऐसा बोला जा रहा है नहीं नहीं शादी है, होगा नहीं होगा, या वहां जाके शादी करे, तो ये भी एक लोग है जो जो मुझे पूछते हैं कि मैं आपसे सवाल पूछूं,
तो अगर हो सके तो इस पे आप पहले तो एक वीडियो या ऐसे कुछ उनकी हेल्प कर दीजिए, सो दैट वो भी आप तक रीच कर सके थ्रू ऑल ऑफ दिस, बिकॉज़ कंटेंट तो एक बहुत मैं इसी में आंसर दे दूं जी. होपफुली बहुत सारे सुनने वालों को ही समझ आ जाएगा. इन केस किसी की एंगेजमेंट हुई हुई है, ठीक है, एंगेजमेंट अगर हुई हुई है या किसी की शादी नहीं है, तो कॉन्करेंट के अंदर जैसे आपके अप्लाई की, आपकी शादी तो चलो पुरानी थी ठीक ठाक, अगर किसी की शादी नहीं है लेकिन रिश्ता पुराना है, आप समझे, शादी एक बंधन है लेकिन ये वीजा बंधन बेस नहीं है, ये रिश्ता बेस है. अगर कोई कहे कि दैट वी आर इन रिलेशनशिप सिंस सो मेनी इयर्स एंड यू हैव गॉट एडिक्वेट डॉक्यूमेंट्स टू प्रूव इट, आई डोंट माइंड अप्लाइंग दैट एप्लीकेशन, अगर उनकी शादी चाहे 2 महीने पहले भी हुई है. लेकिन अगर किसी की एंगेजमेंट हुई है और वो फाइल लगा रहा है, तो जो उसका स्टेटस है उसको फाइल में वही लिखेगा वो, बिकॉज एंगेज्ड इज नो अ स्टेटस. फाइन, तो हाँ, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि एंगेजमेंट हो गई, आप स्टूडेंट वीजा अप्लाई करें, जाए वहां से आके शादी कर लें, नो प्रॉब्लम आपकी. हाँ, एक ये बड़ी प्रॉब्लम है कि बहुत सारे कंसल्टेंट किसी को बोल देते हैं कि आप शादीशुदा हैं जी, अपनी शादी छुपा लें. तो इस पॉइंट पे मैं सबको कहना चाहूंगा, प्लीज आप अपना स्टेटस कुछ ना छुपाएं, जो रियल स्टेटस है उसको आप अपने एप्लीकेशन के अंदर डालें, क्योंकि बाद में फिर बहुत दिक्कत आएगी. और अगर कोई ये वीडियो देख रहा है और ये सोच रहा है, किसी ने उसको अगर बोला भी है कि आप शादी छुपा लें, तो भाई शादी छुपाने की जरूरत नहीं है, दोनों की शादी हुई हुई है, दोनों इकट्ठे जा रहे हैं, तो शादी मत छुपाएं. तो इस करके कोई भी सिनेरियो अप्लाई वो कर सकते हैं, अगर रिश्ता उनके पास में पुराना वो कर सकते हैं. तो एक ना शब्द है उसको बोलते हैं मैरिज ऑफ कंफर्ट, तो एम्बेसीज को उससे प्रॉब्लम है. तो मैरिज ऑफ कंफर्ट मींस कि ये शादी सिर्फ एक कैनेडियन स्टेटस लेने के लिए की गई है. ओके, सो आल्सो वी वुड लाइक टू थैंक यू फॉर योर सपोर्ट एंड सर्विसेज, वी आर सो हैप्पी विद द वे थिंग्स हैव वर्क फॉर अस, सो रियली थैंक यू सो मच टू यू एंड योर टीम. दैट्स व्हाट वी आर हियर फॉर यू. प्रणय, व्हाट्स योर क्लोजिंग कमेंट नाउ? जी, मेरा ये क्लोजिंग कमेंट रहेगा कि कॉन्करेंट वीजा, ये जो शादीशुदा कपल उनका इंटेंशन ही होता है कि साथ साथ जिंदगी के साथ आगे बढ़ना है, तो कॉन्करेंट वीजा एक ऐसी चीज है जिसके कारण आप दूसरे देश में जाके साथ में रह के जॉब कर सकते हो, एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हो. और हम लोग जैसा 2019 से ये चीज ट्राई कर रहे हैं, और हम लोगों का जर्नी जो रहा है केवल 4 महीने के अंदर ही हम लोगों का सारा प्रोसेस होके हम लोगों के पास हमारा वीजा आ चुका था. तो मैं यही कहूंगा कि आप रिसर्च करिए, बात कीजिए, पहले कंसल्टेंट लीजिए इन लोगों से, क्या करना है, कैसा पॉसिबिलिटी है, और उसके बाद आपका डिसीजन. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड गॉड ब्लेस यू बोथ ऑफ. थैंक यू, मोस्ट वेलकम, बाय बाय. आप अगर चाहते हैं अपनी एप्लीकेशन डिस्कस करना जिसके अंदर स्टूडेंट, स्पाउस और अगर आपके बच्चे हैं इकट्ठे अप्लाई करना, तो जो नंबर डिस्प्ले के अंदर आप देख रहे हैं इसके ऊपर फोन करें या व्हाट्सएप करें और रिक्वेस्ट करें जूम मीटिंग का. उस जूम मीटिंग के अंदर हम आपकी पूरी एप्लीकेशन को समझेंगे, जो बेस्ट पॉसिबल वेज हैं, बेस्ट डॉक्यूमेंट्स हैं, वो आपके साथ में शेयर करेंगे, और आपकी हम ज़रूर मदद करना चाहेंगे कि आप अपनी एप्लीकेशन बढ़िया ढंग से कॉन्करेंट में अप्लाई करें और साथ के साथ पूरे फैमिली वाले एक ही टाइम के ऊपर कैनेडा ट्रैवल करें.